हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्स्ट्रा नॉलेज में। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको उसका आंसर और उसकी व्याख्या भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी सांवेगिक चिंतन, ऑप्शन सी अहमवादी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। तो इसका आंसर है अपसारी चिंतन। तो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। उदाहरण, जैसे ईश्वर एक है, इस विषय पर चर्चा करने पर विभिन्न व्यक्तियों से हम अलग अलग प्रकार से के विचार मिलेंगे। जैसे कि आप किसी के बारे में कि पूछते हैं कि ईश्वर कौन है, तो वो अपने अपने व्यक्तित्व को रखेगा। इसे ही हम अपसारी चिंतन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन नंबर सी पारिवारिक अपेक्षाएं, ऑप्शन नंबर डी अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका आंसर होगा अंतर्निहित संभावित दंड। आइए इसकी व्याख्या की तरफ करते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें से आपके क्वेश्चन में पहली अवस्था के बारे में पूछा गया है, वो है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। यह अवस्था 4 से 10 वर्ष के बीच की मानी जाती है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है। इस अवस्था में बाहर से मिलने वाले पुरस्कार एवं दंड का सही और क्या गलत है, इस पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए संप्रेक्षक और व्याख्या की, ऑप्शन नंबर बी सुगमकर्ता की, ऑप्शन नंबर सी निर्देशक की, और ऑप्शन नंबर डी तालमेल बिठाने की। तो आपका आंसर होगा सुगमकर्ता की। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के बंध सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी थर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी पावलोव, ऑप्शन नंबर डी मॉसलो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थर्नडाइक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। थर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को ही सीखने का सिद्धांत, सीखने का संबंध या बंध सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने थर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? ऑप्शन नंबर ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ऑप्शन नंबर सी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन नंबर डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो आपका आंसर होगा ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विकास का सिरह पाद अभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि किस की विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऑप्शन नंबर बी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन नंबर सी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इसमें आपका आंसर होगा सिर से पैर की ओर। जैसे कि विकास के बारे में आपने पढ़ा होगा, विकास कई तरीका होता है। इसमें हम सिर पाद अभिमुख या मस्तिष्क अभिमुख में जो विकास होगा वो शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होगा। प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास दो नियमों से निर्देशित होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन नंबर बी मध्य
बचपन का समय ऑप्शन नंबर सी, वयस्क अवस्था ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन नंबर ए, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर डी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका आंसर व्याख्या देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में परंपरागत होता है, कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, कोई तार्किक क्षमता में आदि। इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। 1 भाषागत, 2 तार्किक गणितीय, 3 देशिक, 4 संगीतात्मक, 5 शारीरिक गति संवेदी, 6 अंतर व्यक्तित्व, 7 अंतः व्यक्ति, 1 प्रकृतिवादी। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इसे बताया है। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को इस तरह से तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों के अहम क्रंदी प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे इसे अहम क्रंदी भाषा कहेगा और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योक्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी, जीन पियाजे इसे आम क्रंदी भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, निरंतर विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो विकास के सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तिष्क अधोमुखी का सिद्धांत, क्रेन से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि। ये सभी विकास के सिद्धांत, इन्हें आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से कोई एक ना एक आपका पूछ लिया जाता है। जबकि अनुकूली प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो अधिगम का सिद्धांत है। थैंक्स।